तो आपके पास SBI का बैंक अकाउंट है और आप SBI बैंक अकाउंट को यानी नेट बैंकिंग को आप किसी ब्राउजर में यूज नहीं कर पा रहे हो, साथ ही आपका सारा जो डिटेल्स है लॉगिन करने का यूजर आईडी पासवर्ड सही सही फिल कर रहे हो, बट वहाँ पे लॉगिन में एरर आ रही है, 2 OTP अटेम्प्ट ऐसा कुछ कल अलग अलग करके यहाँ पे एरर दिखाया जा रहा और आप परेशान हो चुके हो, काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहे हो बट अभी भी आप लॉगिन नहीं कर पा रहे। तो फ्रेंड्स इसके लिए मैं इस वीडियो को कंप्लीट यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से सही से अपने प्रॉब्लम को खुद से रिजॉल्व कर सके। चैनल पर फर्स्ट टाइम वेट किए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना आगे भी बैंकिंग से रिलेटेड देखने के लिए। अगर आपके बैंकिंग से रिलेटेड और कोई क्वायरीज हो तो आप डायरेक्ट इस आईडी पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ताकि आपको सबसे पहले यहाँ तक आ जाना है इस पेज पर। इस पेज पर आने के बाद देखोगे तो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड का ऑप्शंस मिलेगा फिल करने के लिए, बट आपको सिंपल से यहाँ फिल नहीं करना है। आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको मिलेगा न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन एंड एक्टिव, आपको ऊपर ऑप्शंस को इग्नोर करना है। नीचे में देखोगे मिलेगा फॉरगेट यूज़र नेम लॉग इन पासवर्ड, तो आपको सिंपल से इस पर क्लिक करना है, ठीक है। सेकेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप पूरा कंप्लीट देखिएगा, मैं यहाँ पे जैसा कि इस पर क्लिक करने के बताया तो आप ऐसा मत करना कि इसको स्किप करके चले जाना। अभी आगे आपको कुछ ऐसी ऑप्शंस मिलेंगी जो कि आप लोग सिलेक्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। चलिए मैं थोड़ा सा ब्लर हो रहा है स्क्रीन, देखिए यहाँ पर क्लियर कर दिया हूँ। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर आपको ना क्लिक करना है इस तरीके से, ठीक है। क्लिक करोगे तो यहाँ आपको 3-4 ऑप्शंस मिलेंगे, जैसा कि फर्स्ट ऑप्शन है फॉरगेट माय लॉगिन पासवर्ड, फॉरगेट यूजर नेम, सेट लॉगिन पासवर्ड फॉर रिक्वेस्ट अप्रूव बाय ब्रांच, रीसेट यूजर आईडी थ्रू SMS, न्यू रजिस्ट्रेशन ऑनली, ठीक है। तो अपने को जो फर्स्ट ऑप्शन है ना फॉरगेट माय लॉगिन पासवर्ड बाय डिफॉल्ट वही सिलेक्ट है, उसी को सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आप नीचे में यहाँ पर देखोगे तो मिलेगा एक ऑप्शन नेक्स्ट का, जस्ट आप नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर टैप करेंगे। टैप करने के बाद थोड़ा सा लोडिंग लेगा और यहाँ पे कुछ इस तरीके से फॉर्म फिलअप करने का एक ऑप्शन आ जाएगा। चलिए मैं यहाँ पर को जूम करके दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ है। फर्स्ट है यूज़र नेम, अकाउंट नंबर और कंट्री कोड आपको सिलेक्ट करना होगा, एंड रजिस्टर मोबाइल नंबर, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ वो फिल करेंगे जिसका अकाउंट होल्डर का जो डेट ऑफ बर्थ होगा वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल कीजिएगा। एंड उसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा देखना है इस कैप्चा को इस बॉक्स में आपको फिल करना होगा। चलिए मैं सारे डिटेल्स को फिल कर लेता हूँ। सारा डिटेल्स जो फिल कर लेंगे तो डायरेक्ट आपको सबमिट वाला ऑप्शंस पर क्लिक करना है। इस पर ऑप्शंस पर टैप करोगे फ्रेंड तो आपके रजिस्टर नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड आएगा, इस पासवर्ड को यहाँ पे फिल करना होगा। पासवर्ड फिल करने के बाद जस्ट आप कंफर्म के ऑप्शन पे टैप करेंगे। इस पर टैप करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से 3 ऑप्शंस मिलेंगे। चलिए मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है यूजिंग ATM कार्ड डिटेल्स, सेकंड ऑप्शन है यूजिंग प्रोफाइल पासवर्ड, और थर्ड ऑप्शन है रीसेट योर लॉगिन पासवर्ड विथ ब्रांच एक्टिवेशन। तो आपको ATM कार्ड है यानी डेबिट कार्ड है तो आपको फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ करना है, इजी स्टेप है, ठीक है। क्योंकि ब्रांच आप कोई भी जाना नहीं चाहता है और काफ़ी लोगों का ब्रांच तो दूर होता है, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ करके डायरेक्ट सबमिट के ऑप्शन पर टैप करना है। सबमिट वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और उसके बाद आप वेट कीजिएगा यहाँ आपका। उसके बाद यहाँ आपके सारे कार्ड नंबर शो हो जाएंगे जितने भी आपके बैंक से कार्ड लिंक हो गए। देखिए जो नीचे का है ना, इस ये जो कार्ड दिखा रहा है नीचे का, ये एक्सपायर कार्ड है, ऊपर में जो है ना वो एक्टिव कार्ड है। देखिए याद रखिएगा अभी वर्चुअल कार्ड काफ़ी लोग यहाँ पर जनरेट किए हैं, तो यहाँ पर आपका वर्चुअल कार्ड और फिजिकल कार्ड दोनों शो होगा। तो आपको सिंपल से देखना है किससे आपको ये चीज़ जनरेट करना है यानी लॉगिन पासवर्ड को रिसेट करना है, तो आप उसी कार्ड को सिलेक्ट करना। जैसे कि मेरे केस में मैं फिजिकल कार्ड को सिलेक्ट करूँगा तो मैं फिजिकल कार्ड के ऊपर टिक कर लेता हूँ इस तरीके से। एंड उसके बाद आपको कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे फ्रेंड्स आप कन्फर्म के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपका कार्ड का डिटेल्स को फिल करना होगा, जैसे कि कार्ड होल्डर नेम, कार्ड का एक्सपायरी डेट, कार्ड के पिन, एंड कार्ड का आपका जो कैप्चा यहाँ पे जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को भी यहाँ पे फिल करना होगा। चलिए मैं ऑलमोस्ट सारा डिटेल्स को पहले कंप्लीट कर लेता हूँ। सारा डिटेल्स को फिल करने के बाद आपको प्रोसीडर ऑप्शंस पे टैप करना है। प्रोसीड के ऑप्शंस पे जैसे ही फ्रेंड्स आप टैप करेंगे तो यहाँ पे फ्रेंड थोड़ा सा लोडिंग लेगा, यहाँ आपको बैक बटन को प्रेस नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक पेज को रिफ्रेश करेगा, बस आपको वेट करने की जरूरत है। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ना स्टेटस, सक्सेस और रेफरेंस नंबर दिखा रहा है। एंड यहाँ पर आप अच्छे से फोकस करके देखोगे तो यहाँ मिलेगा आपको क्लिक हियर रिटर्न दो रिटेल रिप्लाई। देखिए यहाँ पे उसके बाद यहाँ आपको मिल जाएगा ऑप्शन, मैं बोला ना आपको उसको मतलब रिफ्रेश नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ पे इस पेज पर आ जाएंगे, यहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शन और न्यू लॉगिन पासवर्ड और कन्फर्म न्यू लॉगिन पासवर्ड, आपको ऐसा पासवर्ड फिल करना है जो कि अभी तक आपने कभी ऐसा पासवर्ड नहीं रखा होगा, ठीक है। थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखिएगा तो वो जल्दी काम आता है, जल्दी वो सक्सेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस पासवर्ड को फिल कर लेता हूँ अपने अकॉर्डिंग। आपको दोनों बॉक्स में सेम पासवर्ड फिल करना होगा। दोनों बॉक्स में सेम पासवर्ड फिल करने के बाद देखिए यहाँ पे लॉगिन पासवर्ड न्यू लॉगिन पासवर्ड में फिल कर लिया हूँ। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे जैसे फ्रेंड्स क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक मैसेज इस तरीके से, देखिए स्क्रीन जूम करने पर ब्लर हो रहा, देखिए योर लॉगिन पासवर्ड हैज़ बीन रिसेट सक्सेसफुली। अब यहाँ पे लॉगिन करके हम देखेंगे क्या लॉगिन करने के बाद कोई इशू आ रहा है या नहीं आ रही है, पहले तो आपको ये चीज़ करना होगा। सबसे पहले
यहाँ पे आने के बाद आपको लॉगिन, यूजर आईडी और पासवर्ड फिल करना है। पासवर्ड आप पुराना वाला फिल मत करना, अभी जो आपने रिसेट किया है, जो यहाँ पे न्यू पासवर्ड आपने क्रिएट किया है, वही पासवर्ड को यहाँ पे फिल करना, ठीक है। एंड कैप्चा को फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे मिलेगा ऑप्शन लॉगिन का, जस्ट आप लॉगिन वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे, थोड़ा सा फ्रेंड्स लोडिंग लेगा और आपके नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड आएगा, यहाँ पासवर्ड को फिल करने होंगे। चलिए मैं फिल कर लेता हूँ। पासवर्ड फिल करने के बाद जस्ट आप सबमिट के ऑप्शंस पे टैप करेंगे, थोड़ा सा फ्रेंड्स लोडिंग लेगा, वेट कीजिएगा और आपका नेट बैंकिंग ओपन होकर आपके स्क्रीन पर शो हो जाएगा कुछ इस तरीके से, जैसा कि मेरा यहाँ पे शो हो गया है। तो फ्रेंड्स अब बता देता हूँ कि आपको एक एरर क्यों आ रही है। आप लोग वहाँ पे लॉगिन पासवर्ड को चूज नहीं कर पा रहे हो, आप वहाँ पे प्रोफाइल पासवर्ड को सिलेक्ट कर रहे हो। तो आप जब भी फॉरगेट करो तो आपको वो फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, जैसा कि लॉगिन पासवर्ड मैंने आपको बताया, क्योंकि आप उसको जब सिलेक्ट करके फॉरगेट करोगे ना, तो आप लॉगिन पासवर्ड फॉरगेट करने के बाद ही आप प्रोफाइल पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हो। ऐसे तो मैं प्रोफाइल पासवर्ड मतलब रिसेट करने का ऑलरेडी दो तीन वीडियो मैं कवर किया हूँ, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल फ्रेंड्स हम इस वीडियो के यहीं पर एंड कर रहे हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।